क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान न्यूज 24 और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आईपीएल 2019 के अपने पहले मैच में ही हार के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस आज अपने दूसरे मैच में दोनों ही टीमें जीत का खाता खोलने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। हालांकि इस मुकाबले में किस टीम को जीत मिलेगी यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज मौजूद हैं, जो अकेले दम पर अपनी टीम को जीत दिलाने की क्षमता रखते हैं। मुंबई इंडियंस के खुद कप्तान रोहित शर्मा हो या फिर हार्दिक पांड्या या फिर युवराज सिंह, ये धुरंधर बल्लेबाज टिक गए तो अकेले ही अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं। दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली के साथ साथ एबी डी विलियर्स, शिमरान हेटमेयर और शिवम दुबे जैसे बल्लेबाज हैं, जिनके सामने आने से अच्छे अच्छे गेंदबाज भी कतराते हैं। मुंबई इंडियंस की संभावित प्लेइंग 11 इस प्रकार हो सकती है: रोहित शर्मा, केविन लुइस, सूर्य कुमार यादव, युवराज सिंह, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, किरण पोलार्ड, लसित मलिंगा, मिशेल मैकलेगन और बेन कटिंग्स। स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खेलने पर अभी भी असमंजस बरकरार है, क्योंकि पिछले मैच के दौरान बुमराह चोटिल हो गए थे। खैर, देखते हैं 3 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराकर आईपीएल 2019 में जीत का खाता खोलने में कामयाब हो जाती है या नहीं। इस हाई वोल्टेज मुकाबले पर आपकी राय क्या है? आखिर कौन जीतेगा ये मुकाबला, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर या फिर मुंबई इंडियंस? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।